हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइटैनिक के रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो हमको पता है कि वो आइसबर्ग की वजह से गिर गई थी, यानी कि डूब चुकी थी। पर ऐसा दूसरा भी रीज़न है जो ये भी बताता है कि ये उसी की वजह से डूब गई होगी। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो पे, यानी कि बहुत रिसर्च करके मैं पूरी जानकारी इकट्ठी करके ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइटैनिक के बारे में, यानी कि शिप के बारे में। तो ऐसे में ये जो शिप है वो 12 अप्रैल 1912 को जो है वो वहाँ से निकल चुकी थी, यानी कि अपने सबसे पहले सफ़र पे। तो 14 तारीख को यानी कि अप्रैल 14, 1912 को ठीक 11:40 बजे ये हादसा हुआ, यानी कि लोग मानते हैं कि आइसबर्ग था जिसकी वजह से वो जो है टकरा कर वो डूब गई। तो ये उसी समय हुआ था 11:40। फिर दूसरे दिन यानी कि सुबह ठीक 2:20 को आरएमएस टाइटैनिक पूरी की डूब चुकी थी। वो जो शिप थी वो उस समय की सबसे बड़ी शिप थी वर्ल्ड में जी, और ये अभी तक की लेजेंडरी शिप मानी जाती है क्योंकि वो बहुत ही मेहनत से बनाई थी। तो ऐसे में पहले मैं आपको शिप के बारे में कुछ जानकारी बताता हूँ। ये जो शिप है वो बहुत ही बड़ी थी, और इतनी बड़ी थी कि आप सोच भी नहीं सकते, वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी। तो जो शिप में ऑफिसर थे उनको ही 2 वीक लग जाते थे पूरा का पूरा सर्वे करने में कि कहाँ कौन सा रूम है या फिर कौन सी चीज़ कहाँ है। और ये जो शिप थी इसका कॉस्ट था टोटल $75 मिलियन जी, यानी कि $75 मिलियन आप समझ सकते हो उस समय। और अगर ये 2016 में बनती तो इसका कॉस्ट होता $166 मिलियन, और ये भी बहुत ही कम है टाइटैनिक मूवी से, यानी कि टाइटैनिक मूवी को $200 मिलियन खर्च करना पड़ा था पिक्चर बनाने के लिए, और वो बहुत ही हिट मूवी रही। तो आप सोच सकते हैं इतना ज़्यादा कॉस्ट है इस शिप के लिए, और इतना ज़्यादा मेहनत से बनाई थी, कुल 3,000 से ज़्यादा वर्कर्स थे इसमें जो काम कर रहे थे इस पर। तो आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी जहाज सिर्फ एक आइसबर्ग से टकरा कर गिर जाएगी, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो रिसर्च के बाद उनको ये पता चला कि ये आइस की वजह से नहीं बल्कि आग की वजह से, जी हाँ, यानी कि आग की वजह से ये बोट जो है वो डूब चुकी थी, यानी कि फायर की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक जर्नलिस्ट है सेना मोलोनी, तो ये इसी पर काम करते थे टाइटैनिक पर। तो उन्होंने 30 साल के बाद ये पता लगाया कि जो टाइटैनिक है शिप, उसके पहले की फोटोज़ देखे उसने, और उसमें उसको दिखा कि एक ब्लैक स्पॉट था बिल्कुल नीचे टाइटैनिक के। तो ये उसको पता चला कि ये 3 वीक से जल रहा था वहाँ पर, और ये मैनेजमेंट को भी पता था, यानी कि शिप के मैनेजमेंट को भी, पर उन्होंने बताया नहीं क्योंकि ये जो शिप है वो वर्ल्ड में सबसे पहली वहाँ से निकल गई थी, और वर्ल्ड में सबसे पहली थी, सबसे बड़ी। तो कई सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, अगर ये चीज़ बता देते उनको कि वहाँ पर आग जल रही है तो लोग इस शिप में आते ही नहीं, इसलिए वो ऐसे ही चल पड़े अपने सफ़र पर। देखो अगर वो आग की वजह से कमज़ोर हो चुका था उसका निचला भाग, तो आइसबर्ग से टकराते ही वो आसानी से डूब जाती थी क्योंकि वो निचला भाग जो है वो बहुत ही हल्का हो चुका था। तो ये भी कारण हो सकता है। एक और चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग थी इसमें, इस शिप में एक भी बायनाकुलर्स नहीं थे, यानी कि बायनाकुलर्स की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि आगे कौन सी चीज़ आ रही है या फिर नहीं। तो ये भी कारण हो सकता है कि वो आइसबर्ग से टकरा चुकी है। बायनाकुलर्स इसलिए नहीं थे क्योंकि वो एक रूम में लॉक किए गए थे, वो जब भी ज़रूरत पड़ती थी तभी उसको बाहर निकालते थे। पर जो रूम में लॉक किया था उसकी चाबी थी डेविड ब्लेयर के पास, जो पहले ऑफिसर था इस शिप का, तो वो उसका रिप्लेसमेंट किया गया, और वो चाबी उस रिप्लेसमेंट वाले बंदे को देने के लिए भूल गया, तो वो चाबी अपने पास लेकर गया घर पे, और वो शिप में बायनाकुलर ऐसे ही बंद पड़े थे अंदर। तो ये उनको शिप के चलने के बाद में पता चला कि इसकी चाबी उसके पास है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि बायनाकुलर्स भी नहीं थे। और एक और कारण ये भी हो सकता है कि ये जो शिप है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी उस समय, क्योंकि उनको शेड्यूल कवर करना था, वो शेड्यूल से बहुत ही पीछे जा रहे थे, तो वो अपनी लिमिट से ज़्यादा स्पीड पर चल रहे। तो ये भी कारण हो सकता है कि वो आइसबर्ग से टकरा गई और अंदर जाकर डूब चुकी थी। और एक और बात लाइफ बोट्स के बारे में बताता हूँ। इसमें टोटल 60 लाइफ बोट्स होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू इसका आर्किटेक्चर, पर उस जो आर्किटेक्चर था इसका जो शिप बनाई थी उसने बोला कि 48 ही काफ़ी है, क्योंकि अगर ज़्यादा लाइफ बोट्स है तो वो बहुत ही बुरे दिखते हैं, तो 48 बहुत ही अच्छा नंबर है। पर उसको और भी रिड्यूस किया गया और सिर्फ 20 रखे गए लाइफ बोट्स इस शिप में। अगर ज़्यादा होते तो बहुत ही अच्छा होता, बहुत सारे लोग बच चुके होते। और एक और बात, जो इसका कैप्टन था, इस शिप का कैप्टन,
एडवर्ड जॉन, उसने जो ड्रिल होता है यानी कि प्रैक्टिस होती है लाइफ बोट्स को पानी में डालने की, यानी कि जब भी कोई इमरजेंसी होती है तब, तो वो उसने प्रैक्टिस कैंसिल की उसी सुबह, और ये लोगों को पता भी नहीं है कि उसने क्यों कैंसिल की। ये बहुत ही बड़ा कारण है। इसके साथ में उसको पता भी था कि आसपास में आइसबर्ग्स आ रहे हैं, तो फिर भी उसने ये लाइफ बोट्स का जो सेशन था वो कैंसिल कर दिया। और जब ये डिजास्टर हुआ तो लाइफ बोट्स को 30 मिनट लगे शिप्स पानी में उतारने के लिए, यानी कि मैं लाइफ बोट्स की बात कर रहा हूँ, हालांकि उनको 10 मिनट ही लगने चाहिए थे अगर वो प्रैक्टिस करते। और ये भी पता चला है कि ये जो एडवर्ड जॉन है वो अपने फर्स्ट टेस्ट में फेल हो चुके थे क्या, तो ये भी कारण हो सकता है कि उसको प्रैक्टिस भी नहीं थी या फिर कुछ भी हो सकता है। और साथ में उसको ये भी ब्लेम किया गया था कि जब भी वो पानी में लॉन्च किए वो लाइफ बोट्स लोगों को बचाने के लिए, तो उसमें सिर्फ 27 लोगों को ही वो भेज रहे थे, बल्कि उसमें होने चाहिए थे टोटल 65, या 65 के लिए एक लाइफ बोट में जगह थी पर उसने सिर्फ 27 लोगों को ही भेजे। पर ये भी किसी को पता नहीं है कि ऐसा उसने क्यों किया। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक आदमी के बारे में बताने वाला हूँ जो इस शिप में था और वो सर्वाइव भी हुआ और उसने कहानी भी बताई अपनी। जी हाँ, तो ये एक राइटर था, बेसिकली उसको बहुत ही इच्छा थी टाइटैनिक में जाने के लिए, तो वो टाइटैनिक में गया। इसका नाम था वैगिनर गुजरात। जी हाँ, और वो तभी 25 साल का था, तो वो सबसे पहले टाइटैनिक में गया था और वहाँ पर वो एक कैबिन में रुका। वहाँ पर उसको 3 दोस्त मिले और एक दोस्त उसको बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उसकी और उसकी भाषा एक ही थी, यानी कि वो दोनों फ्रेंच में बोलते थे, और उस दोस्त का नाम था मॉरेन। तो ये दोनों दोस्त बहुत ही अच्छे रहे एक साथ में, और वो उस डेक पर यानी कि शिप के डेक पर चिल कर रहे थे बहुत ही अच्छे से, यानी कि वो बार में गए, लाइब्रेरी में गए, ऐसे टाइम पास करते रहे। और वो इस एक्सीडेंट के होने से पहले रात में वो बेडरूम में अपने जाकर सो रहे थे, तो ठीक 11:40 बजे अचानक बम करके आवाज़ आई, तो उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो दो लोग जो है उस रूम में थे वो नीचे गिर गए और उनको लगा थोड़ा सा, पर वो तीनों लोग जो है बाहर आ चुके थे अपने रूम से, यानी कि देखने के लिए कि क्या हुआ है। तो ऐसे में जो वगीनक था जो मेन इंसान, तो उसने जो है अपना पासपोर्ट ले लिया और साथ ही कुछ पैसे थे उसके पास वो भी लेकर वो बाहर आ गया, क्योंकि उसको पता था कि कुछ बहुत ही बड़ा हो चुका है। तो जैसे उसने देखा बाहर यानी कि खिड़की के बाहर, तो उसको कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है आखिर। पर जैसी थोड़ी देर होती रही वो बहुत ही यानी कि समझो ये शिप है टाइटैनिक और ऐसे डूब रही है, तो वो इस छोर पे थे तो वो बिल्कुल टॉप में जाकर खड़े रहे, यानी कि दोनों दोस्त ये वैगिनक और मोरेन। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि लाइफ बोट जो पानी में जा रहे थे यानी कि लोगों को बचाने के लिए भेज रहे थे, वहाँ पर सिर्फ लड़कियों, औरतों और सिर्फ बच्चों को ले जा रहे थे, आदमी के लिए नहीं था। तो वो उन्होंने देख लिया और उनको लगा कि वो स्विमर थे दोनों बहुत ही बढ़िया, उनको लगा कि उनको जंप करना चाहिए उस पानी में, और वो उन्होंने जट से लाइफ जैकेट जो होते हैं पानी में तैरने के लिए पहने जाते हैं उन्होंने पहन लिए, और फिर उन्होंने सोचा कि वहाँ से वो कूद जाते हैं दोनों दोस्त। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो पासपोर्ट था, ये जो वैगिनर था उसने अपना पासपोर्ट और पैसा ले लिया था, उसने उसको बैग में रखा और गले में बांध दिया और वो दोनों ही पानी में कूदे। तो आप सोच सकते हैं कितना गट्स था उनके पास कि वो इतनी बड़ी जहाज से नीचे कूदे, और पानी का जो टेम्परेचर था वो था -2 डिग्री सेल्सियस, तो कितना ठंड पानी था, तो फिर भी वो कूदे। तो जब भी वो कूदे तो दोनों सेपरेट हो गए थे वेव्स के कारण, और एक दोस्त तो पता नहीं कहाँ चला गया, पर ये जो वैगिनर था उसका जो लाइफ जैकेट था वो भी बाहर निकल चुका था और वो ऐसे ही तैर रहा था। थोड़ी देर के बाद उसे पता चला कि उसका पैर और उसका हाथ बहुत ही जम रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही ठंडा पानी था और वो कुछ भी नहीं कर सका। तो जैसे उसे लगा कि अभी मैं मर जाऊंगा, उसने आंखें बंद की, पर उसे पीछे से खड़क करके आवाज़ आई, तो उसने देखा कि एक लाइफ बोट पानी में थी और कई सारे लोग थे। उसने बोला कि मुझे हेल्प करो हेल्प करो, पर उन्होंने उनको मना कर दिया और उन्होंने उसको जो पानी में मारते हैं राफ्ट में उसको उसी से ढकेल दिया साइड में और वो चले जाने लगे। पर अभी एक मिरेकल हुआ। जी हाँ, तो ये सोचकर आप बहुत ही शौक में रह जाओगे। तो वो जब भी दूसरे दिन सुबह उसने आंखें खोली तो वो एक जहाज में था, बहुत ही बड़े जहाज में, और उसे पता ही नहीं था कि वो कैसे बच गया इस बड़े पानी से, यानी कि इतने ठंडे पानी से। तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया क्या, क्योंकि वो बहुत ही बीमार था अंदर से, वो पानी में था इतनी देर तक रात में। और उसके बाद 12 दिन के बाद जब भी वो हॉस्पिटल में था, एक औरत आई और उसने उसको पासपोर्ट और पैसे दे दिए। तो उसने यानी कि वैगिनक ने उस औरत को पूछा कि आपने ये पासपोर्ट और पैसे मेरे कहाँ से आपको मिले और आप कौन हैं।
तो उस औरत ने बताया कि जो लाइफ बोट आपको धकेल कर चले गई थी, यानी कि उसको छोड़ के चले गई थी पानी में, कि हम उसको नहीं ले सकते अपने लाइफ बोट में, तो उसी औरत यानी कि एक औरत थी उस लाइफ बोट में, उसने जो सिर्फ चला रहा था वो लाइफ बोट, उसको कहा कि ये मेरा बेटा है। जी हाँ, उसको ये लड़का खोना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसका जो पति था वो पहले ही मर चुका था टाइटैनिक के हादसे में। तो इसीलिए उस औरत ने बोला, जो बोट चला रहा था उसको बोला कि ये मेरा लड़का है, तो आप प्लीज़ इसे लेना। तो इसीलिए वो इसे लेकर चले गए, तो इसीलिए वो बच गया। इसकी किस्मत बहुत ही अच्छी थी और वो अपनी फैमिली के पास वापस चला गया वैगिनर। तो ये एक ऐसा सर्वाइवर था जो उस हादसे के बाद बच चुका था और वो बहुत ही बड़ा राइटर बन गया था उसके बाद में, यानी कि इस हिस्से के बाद में। और उसने कई सारे अपनी कहानियाँ लिखी, और जब उसे पूछा गया कि टाइटैनिक में क्या हुआ था, सच में आइसबर्ग हिट किया था या फिर आग, तो उसने बोला कि एक जो है बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था, इसी की वजह से टाइटैनिक डूब हुई थी। उसने आइसबर्ग के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो यहाँ पर भी आग का ही किस्सा आता है, तो आग ही, मुझे लगता है कि आग की वजह से ही जो टाइटैनिक शिप है इतनी बड़ी, वो इसी की वजह से पानी में डूब गई है। और आइसबर्ग भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आइसबर्ग नहीं है। तो कमज़ोर होने के बाद वो आइसबर्ग से टकराई और वो कमज़ोर पड़ के टूट गई बीच में से, तो कुछ भी कारण हो सकता है। और साइंटिस्ट जो है अभी भी रिसर्च कर रहे हैं इस पर, क्योंकि उनको पता लगाना है कि टाइटैनिक जो शिप है, लेजेंडरी शिप, वो आखिर डूबी कैसे। तो आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है किसकी वजह से ये टाइटैनिक बोट जो है वो डूब चुकी थी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक और नए वीडियो में। टिल देन ग्रेटेस्ट सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।